आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महागठबंधन की कवायद में जुटी है और इसकी पहली झलक तेलंगाना में देखने को मिल रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 दलों को अपने साथ लाकर महागठबंधन को आमनीजामा पहनाया है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में कांग्रेस TDP, TGS और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस महागठबंधन के लिए आज कांग्रेस ने सीटों के बंटवारे का भी औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 24 सीटें महागठबंधन के लिए छोड़ी हैं। तेलंगाना में पहली बार जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य बड़े नेता सूबे में रैलियां कर जनता को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी सियासी समीकरण बनाने में भी सबसे आगे है। कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति को पटखनी देने के लिए सूबे में महागठबंधन को अमली जामा पहना दिया है। तेंदुपा, तेलंगाना जन समिति और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस जीतने की तैयारी में है। महागठबंधन को लेकर माना जा रहा है कि सीट के बंटवारे को लेकर घमासान मचेगा, लेकिन कांग्रेस ने साथियों से मनमुटाव के बगैर आज सीटों का बंटवारा कर लिया। पार्टी ने महागठबंधन के लिए 24 सीटें छोड़ी हैं। सीट बंटवारे के समझौते के तहत कांग्रेस ने TDP को 14 सीट और बाकी 10 सीट TGS और CPI को देने का फैसला किया है। कांग्रेस तेलंगाना इकाई के प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इस फैसले से सभी दल खुश हैं। हम सब मिलकर सूबे में चुनाव लड़ेंगे। वहीं 8 या 9 नवंबर को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 119 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए 7 दिसंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने महागठबंधन कर मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस के इस दाव को मात देने के लिए सत्तारूढ़ TRS और BJP क्या प्लान बनाती है। डीबीलाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।